नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम एम्पलीफायर के दोस्तों जो ड्राइवर बोर्ड होते हैं उनका हमें एक एम्पलीफायर बनाने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ड्राइवर बोर्ड का हमें दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि हम इस ड्राइवर बोर्ड से जो है अपना 200 वाट, 400 वाट, 500 वाट या 1000 वाट या 1500 वाट जितना हमें अपने अनुसार ज़रूरत है एम्पलीफायर की, हम उसको उस हिसाब से बना लेते हैं। क्योंकि ड्राइवर बोर्ड का यही फ़ायदा होता है कि ड्राइवर बोर्ड से हम जितने भी ट्रांजिस्टर को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ के अपना जो है हम एम्पलीफायर को बना लेते हैं और हमारा एम्पलीफायर अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर दोस्तों क्या डिफरेंस होता है कि जब हम ट्रांजिस्टर को जोड़ के अपना कोई भी एम्पलीफायर को बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमें सिर्फ ट्रांसफार्मर और हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं उनको बढ़ाना होता है, ट्रांसफार्मर के एम्पियर को बढ़ाना होता है और ट्रांजिस्टर को हमें जितने ज़्यादा हम करेंगे उतने ज़्यादा हमें उसके वाट मिलते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल दूंगा कि किस तरीके से आप एम्पलीफायर बना सकते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होगा, उसको ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सारी जानकारी मिलेंगी दोस्तों। वीडियो में बने रहना और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब देखिए, ये मेरे पास ड्राइवर बोर्ड कुछ इस तरीके से हैं। तो देखिए, ड्राइवर बोर्ड में ज़्यादातर जो हमारा जो नॉर्मल जो लिखा हुआ होता है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हमारा बी माइनस होता है, बी प्लस होता है और वी प्लस होता है, वी माइनस होता है और ग्राउंड और हमारा और स्पीकर आउटपुट। तो ये हमारे 4 से 5 कनेक्शन होते हैं। तो देखिए, जैसे ये इस तरीके का हमारे पास ड्राइवर बोर्ड है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर बी माइनस लिखा हुआ है, फिर बी माइनस है, फिर स्पीकर आउटपुट है हमारा और बी प्लस, वी प्लस और ग्राउंड। तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ होता है, लेकिन हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे तो देखिए इस वीडियो में आपको मैं इसी चीज़ के कनेक्शन बताऊंगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है हमारा 5200, यहाँ पर है 1943। तो ये हमारा 1943 जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा पीएनपी होता है, 5200 जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा एनपीएन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इन ट्रांजिस्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर पहली पिन हमारी बेस होती है, दूसरी कलेक्टर होती है, तीसरी ईमीटर होती है। उसी तरीके से हमारा ये 1943 वाला ट्रांजिस्टर होता है। देखिए, इसके अंदर पहली पिन बेस होती है, दूसरी कलेक्टर, तीसरी ईमीटर। तो इस तरीके से कुछ इनके कनेक्शन होते हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर होते हैं। ये देखिए, ये हमारा 2SC5200 ट्रांजिस्टर है जो मैंने इस जगह पे, ये देखिए इस तरीके से आएगा। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है हमारा दोस्तों 2SC1943 ट्रांजिस्टर है जो हमारा इस जगह पर आएगा। तो इस तरीके से कुछ सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 10 ट्रांजिस्टर ले रखे हैं, यानी कि 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट, यानी कि ये जो सीरीज है हमारा 500 वाट का, यानी कि जो एक पेयर होता है हमारा वो 100 वाट का होता है। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करके चले जाते हैं कि हमें कितने वाट का एम्पलीफायर बनाना है। तो वाटेज जो है इसके अंदर, पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो वाटेज निकलती है वो हमारी 4 ओम की होती है और 8 ओम के अंदर वो वाटेज जो है हमारी 30% कम हो जाती है। तो इस तरीके से याद रखें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इनके कनेक्शन होंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस वाली पिन है वहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी। तो देखिए, पहले मैं बेस पे सब पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम होगा। तो ये देखिए, ये हमारी बेस की रेजिस्टेंस यहाँ आ गई और यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस को बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ मैं रेजिस्टेंस का साइन बना रहा हूँ और ये हो गई हमारी बेस की रेजिस्टेंस। तो देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बना दी। तो यहाँ पर जो दोस्तों रेजिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 2.2 ओम्स, यहाँ पर 1 वाट, क्योंकि 1 वाट की जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे वो बहुत अच्छा होगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1/4 वाट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट होगी। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी, तो यहाँ पर हमने लगा दी। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा कलेक्टर पिन है वो कलेक्टर पिन, देखिए हम ये वाली कलेक्टर पिन यहाँ निकाल देते हैं, ये वाली पिन हम यहाँ निकाल देते हैं, ये यहाँ, ये वाली पिन यहाँ और ये वाली पिन यहाँ। तो इस तरीके से हमने कलेक्टर निकाल दी और सामने वाली कलेक्टर पिन भी हम निकाल देते हैं। तो ये हमारी कलेक्टर पिन बाहर आ गई। दोस्तों, डायग्राम में इस तरीके से बना के दिखाऊंगा जो आपको एकदम समझ में आ जाए। अब देखिए, ये स्केल से मैं यहाँ पर, ये कलेक्टर पिन हमारी जो 1943 की है वो मैंने सारी कनेक्ट कर दी एक साथ और ये वाली मैंने ये वाली कनेक्ट कर दी सारी एक साथ। और इस तरीके से जो है हमारा ये 2 पॉइंट जो है बाहर निकल गए, यानी कि 5200 की कलेक्टर वाली हमारी एक साइड बाहर आ गई, सारी पिने कनेक्ट हो गए
और जो हमारी 1943 की पिन है वो वाली भी कलेक्टर की पिन हमारी बाहर आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है तो वो देखिए एक पिन हमारी यहाँ से ये वायर आ गई और इनको हम सबको रेजिस्टेंस को सारे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये सारी रेजिस्टेंस हम एक साथ ही कनेक्ट कर देंगे, इनकी पिनें हमारी जो है कलेक्टर के साथ शॉर्ट नहीं होगी, ये सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस पे ही शॉर्टिंग है और कुछ इस तरीके से। और ये वाली पिन हमारी यहाँ आ गई, तो कुछ इस तरीके से हमारी चार वायर हो गई। अब मैं देखिए सारी रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो सारी कनेक्ट हो गई, ये देखिए। तो ये हमारी सारी रेजिस्टेंस दोस्तों कनेक्ट हो गई। अब हमारी यहाँ पर जो बची है दोस्तों ई मीटर की पिनें बची हुई है, तो ई मीटर की पिन कैसे कनेक्ट होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमारी ई मीटर की जो पिन होगी वो डायरेक्ट हमारी देखिए सीधी हमारी यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जो है हमारा वो लगेगा दोस्तों स्पीकर आउटपुट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्पीकर आउटपुट। और लेकिन स्पीकर आउटपुट से हम पहले क्या करेंगे, और स्पीकर आउटपुट की जो हमारी वायर है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को दोस्तों कनेक्ट करेंगे, जो हमारी रेजिस्टेंस होगी 5 वाट की। तो ये रेजिस्टेंस सीधी कनेक्ट होके हमारी यहाँ शॉर्ट हो जाएगी और ये सीधी रेजिस्टेंस कनेक्ट होके हमारी जो स्पीकर आउटपुट पे जो है कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से कनेक्ट हो गई। अब देखिए ई मीटर की जो पिनें हैं वो सारी यहाँ कनेक्ट हो गई और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये यहाँ कनेक्ट हो गई, ये वाली पिन यहाँ कनेक्ट हो गई और ये वाली पिन यहाँ। इस तरीके से कुछ हमारी जो पिनें हैं वो सारी रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाएगी, जो हमारी ई मीटर की पिन है। तो ये हमारी स्पीकर की आउटपुट होती है। तो ये देखिए सारी रेजिस्टेंस जो है हमारी कनेक्ट होगी इस तरीके से। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दोस्तों लगेगी वो देखिए यहाँ पर आप 0.22 भी लगा सकते हैं, 0.33 भी लगा सकते हैं और 0.47 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये तीन रेजिस्टेंस मैंने दोस्तों इसलिए बताई है क्योंकि कभी कभी जो रेजिस्टेंस है बहुत से भाइयों को नहीं मिलती है, तो ये इन तीनों में से कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और रेजिस्टेंस होगी हमारी दोस्तों 5 वाट। तो 5 वाट की रेजिस्टेंस होगी हमारी ये वाली, ये जो सारी मैंने ई मीटर की जो रेजिस्टेंस बताई है ये सारी हमारी 5 वाट की रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी देखिए 5 वायर आ गई, देखिए एक हमारी स्पीकर आउटपुट हो गई, 2 हमारी कलेक्टर की पिन हो गई और यहाँ पर 2 हमारी पिन होगी जो हमारी 2.2 ओम की जो रेजिस्टेंस है बेस वाली वो हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो स्पीकर आउटपुट है वो डायरेक्ट हमारी स्पीकर की प्लस वाले पॉइंट पर चली जाएगी, माइनस वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ये स्पीकर का हमारा ग्राउंड हो गया और एक जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्ट यहाँ लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए आउटपुट पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, आउटपुट पे हमारा यहाँ पर पीएफ लगेगा दोस्तों 104, यहाँ जो आउटपुट पे हमारा पीएफ है वो 104 लगेगा और वोल्टेज होगी इसकी 250 वोल्टेज 104 नंबर का यहाँ पर पीएफ लगेगा। और उसके साथ यहाँ पर एक कनेक्ट होगी दोस्तों रेजिस्टेंस लगेगी हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस होगी हमारी 2 वाट के अंदर, 2 वाट की रेजिस्टेंस लगेगी 10 ओम के अंदर और ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी ग्राउंड के साथ। तो इस तरीके से जो है देखिए यहाँ पर जो देखिए स्पीकर आउटपुट पर पहले पीएफ लगा हुआ है 104 250 वोल्टेज का, फिर पीएफ से एक रेजिस्टेंस लगेगी 10 ओम 2 वाट के अंदर और फिर हमारी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो है हमारा एम्पलीफायर का जो पूरा सर्किट है वो तैयार हो जाता है। अब देखिए इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी प्लस, यहाँ पर वी माइनस। तो देखिए जो 1943 का जो हमारा कलेक्टर पिन है वो हो जाती है हमारी वी माइनस, देखिए वी माइनस हो गई। और जो हमारा 5200 का कलेक्टर वाली पिन होती है वो हो गई हमारी वी प्लस। तो देखिए 2 कनेक्शन हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए 5200 की जो हमारी जहाँ पर हमने 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी वो हो गया हमारा बी प्लस, तो देखिए बी प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1943 का जो हमारा बेस है यहाँ पर हमने 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगाई थी, ये हो गया हमारा
बी माइनस, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ऑडियो आउटपुट, तो आपने देखा दोस्तों कि हमारी जो है देखिए बी माइनस भी हो गई, बी प्लस भी हो गई और वी वोल्टेज। अब देखिए ये हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारी ऑडियो जो ई मीटर है जहाँ पर हमने 5 वाट की रेजिस्टेंस लगाई है वो हो जाएगी हमारी ऑडियो स्पीकर पे, तो ये ऑडियो स्पीकर हो गई। अब देखिए बची हमारी ग्राउंडिंग, तो देखिए ग्राउंडिंग कहाँ जाएगी, एक ग्राउंडिंग तो हो गई हमारी स्पीकर आउटपुट पे ग्राउंड और एक हो गया हमारा ग्राउंडिंग यहाँ पर। तो देखिए ये वायर हमारी ग्राउंडिंग की हो गई, ये हमारी यहाँ क्लियर हो गई। अब देखिए ये हमारा बोर्ड यहाँ से वायरिंग से क्लियर हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रांसफार्मर की और कितने एम्पियर की कितने वोल्ट के अंदर आपको जो ट्रांसफार्मर है वो लगाना है। अब देखिए इसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर, पहले आपको मैं वोल्टेज बता दूं कि वोल्टेज जो है आप ट्रांसफार्मर की जो है 45 वोल्ट से लेकर और 60 वोल्ट तक अगर आप इसमें ट्रांसफार्मर लगाओगे तो वो एकदम अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा, आपके एम्पलीफायर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये 45 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एम्पियर कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि ये आपके दो ट्रांजिस्टर है, ये 100 वाट के हो गए, ये 200, 300, 400, 500, तो इस तरीके से ये हमारे ट्रांसफार्मर जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 45 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास अब हमने यहाँ पर 200 वाट का एक एम्पलीफायर बनाया, जैसे कि 200 वाट का हमारे पास एम्पलीफायर, हमें चार ट्रांजिस्टर के अंदर 200 वाट बनाना है और हमारे पास वहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो है हमारे पास 45 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें एम्पियर को जो कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 45 गुना, हम पहले 8 एम्पियर में देखते हैं कितने वाट, तो 8 एम्पियर में आ रहे हैं हमारे 360 वाट, तो 8 एम्पियर हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 45 गुना 5 एम्पियर, तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 225 वाट, तो ये भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर एम्पियर ज़्यादा हो रहे हैं। 45 गुना 4 एम्पियर, तो यहाँ पर आ रहे हैं 180, यानी कि 20 से अगर 25 वाट नीचे चला जाता है ट्रांसफार्मर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ एसी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आ जाती है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज भी ज़्यादा देने लग जाता है, तो उससे जो है हमारे हमेशा जो हमारी वाटेज है वो कम रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारे एम्पियर निकल के आए हैं वो आए हैं 4 एम्पियर, यानी कि हम यहाँ पर 45 वोल्ट 4 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो हमारा 200 वाट के लिए अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 500 वाट का ये एम्पलीफायर है क्योंकि इसमें हमने 10 ट्रांजिस्टर का जो है पेयर लगाया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पर 55 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, अब देखिए जैसे कि हमारे पास 55 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और हमें यहाँ पर एम्पियर कैलकुलेट करना है कि 500 वाट के अंदर हमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 55 गुना 15, तो यहाँ पर 15 पे आ रहा है 825, तो यानी कि अभी एम्पियर हमारे कम है। यहाँ पर हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं 55 गुना 16 एम्पियर, तो 16 एम्पियर पे आ रहे हैं हमारे 880 वाट, यानी कि यहाँ पर हम 16 एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 55 वोल्ट पे 880 वाट मिल जाएंगे, यानी कि 880 वाट जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है एम्पियर को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी एम्पलीफायर मैंने बनाए हैं और जितने भी मार्केट से मैं ट्रांसफार्मर बनवा के लाता हूँ वो मैं इसी हिसाब से बना के लाता हूँ और मेरे जो एम्पलीफायर एकदम बढ़िया चलते हैं, उनमें अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर 55 वोल्ट पे मैंने कैलकुलेट कराया, लेकिन जब आप 55 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बना के लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप दुकान पे ट्रांसफार्मर बनवा के लाएंगे तो वो क्या करते हैं कि 220 वोल्ट पे जो हमारी 220 वोल्ट जो एसी होती है उस पर वो 55 वोल्ट निकाल के देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज है वो 240 तक पहुँच जाती है, जो एसी वोल्टेज है वो 240 तक पहुँच जाती है। अब देखिए 240 वोल्टेज जब पहुंच गई तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी 55 वोल्टेज है ये 55 नहीं रहेगी, यहाँ पर कम से कम 60 वोल्टेज हो जाएगी, ये हमेशा याद रखें। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जो है एम्पियर एक या दो कम रखें जब भी आप अपने ट्रांसफार्मर को बनवाने जाते हैं, तो एक या दो एम्पियर उसको कम रखें तो उससे जो है वो आपका जो एम्पलीफायर है वो एकदम बढ़िया वर्क करेगा। अब देखिए मैं आपका कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि जब हमारी 60 वोल्टेज हो जाएगी तो हमारे कितने एम्पियर इसके अंदर हो जाएंगे।
अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कि 240 वोल्टेज अगर हो जाएगी तो आपकी वोल्टेज यहाँ पर जो एसी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब 60 वोल्टेज हो गई। अब मैं देखिए जब 60 वोल्ट से कैलकुलेट करूँगा 60 × 16, यहाँ पर देखिए हमारी वाटेज जो है वो 960 आ गई। तो इस तरीके से जो है हमारी जो 960 वाटेज जो आई है, तो इस तरीके से जो है अब मैंने इसलिए ही आपको बताया कि एम्पियर हमेशा थोड़े से कम रखने चाहिए, क्योंकि एसी वोल्टेज हमारी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो है हमारी वाटेज वहीं हो जाती है जहाँ पर हमें वाटेज चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर भी अच्छा चलता है, उसमें कभी कोई हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारा एम्पलीफायर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने जितने भी एम्पलीफायर कैलकुलेट करे हैं मैंने इसी तरीके से कैलकुलेट करे हैं। आप भी अगर कभी एम्पलीफायर बनाते हो, आपको अगर उसके आईसी की वाटेज के बारे में पता है कितने वाट की आईसी है और कितनी वोल्टेज पे वो ऑपरेट होता है, तो आप ट्रांसफार्मर के एम्पियर खुद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।